यानी सुरती के साथ और प्रोग्राम है ये तस्वीर। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मौजूद जंगल और कई बीचों से सजा पश्चिम बंगाल उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल अपने साहित्य कला संस्कृति के लिए बेहद प्रसिद्ध है। बंगाल की खूबसूरती गांवों कस्बों से लेकर शहरों तक हर जगह फैली हुई है। वहीं अगर हम बात करें सिलीगुड़ी की, गैंगटॉक की, दार्जिलिंग की या फिर कालिम्पोंग की, तो भाई ऐसे बेहतरीन हिल स्टेशंस हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप ये कहेंगे कि छुट्टियां बिताने तो हम यहीं पर जाएंगे। तो भाई आज तस्वीर में बात होने वाली है वेस्ट बंगाल के बेहद खास हिल स्टेशंस की। बहुत कुछ जानने का दिल कर रहा है, इसलिए बैग पैक करने की तैयारी और मेरे साथ रवाना हो जाएं वेस्ट बंगाल के तमाम हिल स्टेशंस की यात्रा पर।
दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा टू व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 25th June and 2nd July. Hurry up! क्यों भाई? कब तक चलता रहेगा? कभी छुप कर, कभी झूठ बोलकर, कभी सेलिब्रेशन के नाम पर, तो कभी ट्राई के बहाने से। नशा नशा ही होता है, चाहे उसे छुप कर ले या सेलिब्रेशन में। जब तक नशा आपको अंदर से खोखला कर दे, आइए ड्रग या किसी भी तरह के नशे को ना कहें, जीवन को हाँ कहें। आज ही pledge.mygov.in/fightagainstdrugabuse पर विजिट करें और नशे के विरुद्ध ई शपथ लेकर अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। नशे को ना कहें, जिंदगी को हाँ कहें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz सुन रहे हैं आप, मेरे यानी सुरति के साथ, और प्रोग्राम है ये आप सभी का अपना मनपसंद तस्वीर, जिसमें कि आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ वेस्ट बंगाल के अलग अलग हिल स्टेशंस की यात्रा पर। और कोशिश कर रहे हैं हम तमाम तरह के हिल स्टेशंस को जानने की जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दार्जिलिंग से। सफेद बर्फ से ढका हुआ बेहद खूबसूरत पहाड़ियों पर मौजूद ऐसा लगता है दार्जिलिंग मानो कि चांदी की चादर ओढ़े हुए हो। सचमुच बेहद खूबसूरत नजारों से सुसज्जित है दार्जिलिंग। ऐसा लगता है कि मानो बस एक पल के भी लिए भी ना हम अपनी आंखों को न झपकाएं, और ऐसे नजारे हैं कि दिल करता है बस देखते ही रहे। इसकी चमकदार काया पर्यटकों को यहां पर आने पर मजबूर करती है, और कुदरत के करिश्मों में दार्जिलिंग जो है एक बेहतरीन खूबसूरत करिश्मा है, जहां पहुंचकर एक बार कुदरत की कला को दाद देने का मन करता है। जी हाँ, क्योंकि मैंने दार्जिलिंग देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताते हुए बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। यहाँ पर जाते समय ना रास्ते में पड़ने वाले जंगल, साथ ही साथ नदियों का संगम देखने लायक है। टाइगर हिल पर रुककर समय बिताना वाकई में एक अलग आनंद देता है, और वहां पर खड़े होकर ढेर सारी फोटोज खिंचवाना उसके तो क्या ही कहने। यहाँ पर आपको चाय बागान, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जैसे आकर्षण जगह देखने को मिलेंगी, जो कि आपका मन मोह लेंगी। यही नहीं, दार्जिलिंग जाने के बाद आप कहेंगे भाई गर्मियों में तो हमें वापस आना ही नहीं है, और जो आपके कदम है ना वही आगे बढ़ते जाएंगे और सोचेंगे कि एक हिल स्टेशन देख लिया है, अब क्यों नहीं दूसरे की ओर रवाना हो। इसलिए छुट्टियां मिलते ही इसका फायदा जरूर उठाना और एक बार लाइफ टाइम में दार्जिलिंग जरूर जाना। उठ गए
बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए सनम उठ गए जो कदम। जितनी बुझाई उतनी जली है, दिल की लगी तो क्या जिंदगी है, साथ हम जो चले मिट गए फासले आ गए पास हम आ गए पास हम नजर थी सोए नजारे, देखा तुम्हें तो जागे ये सारे, दिल ने किए जो दिल को इशारे, मिलके चले हम साथ तुम्हारे, आज खुशी से मेरा दिल ये पुकारे, तेरा दामन मिला प्यार मेरा खिला प्यार के राही आए यहाँ तक, जाएंगे दिल की हद है जहाँ तक, तुम साथ दो तो चले हम आसमान तक, दिल में यार माली लाख तू पाली आ गए पास हम बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। और ये जो कदम है ना, ये उठकर कहीं और ना जाएं, बल्कि हिल स्टेशंस घूमने के लिए तैयार हो जाएं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के अलग अलग हिल स्टेशंस की, जिनमें हमने अभी दार्जिलिंग के बारे में जाना। क्या आप मिरिक के बारे में जानते हैं? रंग बिरंगे फूल, विशाल वृक्ष और उन वृक्षों की ठंडी ठंडी पवन हवा। जी हाँ, एकदम पावन, एकदम शुद्ध
कलकल बहती नदियां, झरनों का संगीतमय शोर, हसीन वादियां और इन हसीन वादियों में महकती खुशबू, ये सब है मिरिक की निशानियां। मिरिक का नाम लेप्चा शब्द मिर योग से बना है। बेहद खूबसूरत है, बहुत अद्भुत खूबसूरती से धनी है मिरिक। जी हाँ, मिरिक जो है खुशनुमा वादियों से घिरा हुआ दार्जिलिंग का एक जिला है जो अपने मनमोहक दृश्यों से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मिरिक से हटकर अगर हम बात करें कालिम्पोंग की, तो कालिम्पोंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। दार्जिलिंग से करीब एक घंटे की दूरी पर स्थित बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये हिल स्टेशन समुद्र तल से 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ ताजा शुद्ध हवा चलती है जो आने वाले हर पर्यटक की छुट्टियों को शानदार बना देती है और दिल करता है कि बार बार इसे देखने जाए। और सही शब्दों में या सीधे शब्दों में कहें तो कालिम्पोंग जो है वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां आपको पश्चिम बंगाल की परंपरा देखने को मिलती है। वहां की संस्कृति, भोजन के साथ साथ लोगों का बौद्ध मठ के प्रति झुकाव आपको कभी नहीं भूलने देगा कि आप हिमालय की तलहटी पर बेहद खूबसूरत श्रृंखला को देखकर आए हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए कालिम्पोंग में बहुत सारी खास चीजें हैं, जैसे कि आप वहां पर जाकर रेड पांडा, साइबेरियन बीजल, बार्किंग डियर, इन सबको देख सकते हैं। और यही नहीं, क्लाउडेड लेपर्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस शहर में पक्षियों की भी विस्तृत विविधता देखी जा सकती है। और अगर आप प्रकृति के और करीब जाना चाहते हैं तो नेओरा राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऋषि बंकिम चंद्र पार्क की सैर भी जरूर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये भी वाकई में देखने लायक है। इससे हटकर कौन से और हिल स्टेशंस हैं जानेंगे ना भाई। बेहद हसीन वादियां जो है इंतजार कर रही है और हसीन मौसम हमें बुला रहा है वेस्ट बंगाल के हिल स्टेशंस का। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हसी है मौसम, कितना हसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या, जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हसी है मौसम, कितना हसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है।
दिल से दिल मिला ले, उल्फत से आग लेकर दिल का दिया जला ले। सच्ची अगर लगन है फिर किसका तुझको डर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हसी है मौसम, कितना हसी सफर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के अंतर्गत करोड़ों गरीब परिवारों ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का लाभ उठाया। गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकता। पीएम जय योजना में पात्रता जानने के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें। नशा नाश का कारण बनता ये न किसी की एक है सुनता, इसके सेवन से कर लो तौबा, मत करो अपनी जान का सौदा। नशे से आजादी है हर इंसान का अधिकार, दिल्ली पुलिस है आपकी सहायता में तैयार। जागरूक बने और नशे से बचें, ड्रग एडिक्शन को मिलकर खत्म करें। आइए 26 जून 2023 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस के नशा मुक्त दिल्ली के अभियान से जुड़े और से यस टू लाइफ नो टू ड्रग्स का संकल्प लें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। समय है अभी, देर ना हो जाए कहीं। पैन धारक कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने पैन को अपने आधार से 30 जून 2023 तक 1,000 रूपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इन ऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इन ऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। ध्यान रहे, किसी भी पैन धारक के पास एक से अधिक पैन होने पर 10,000 रूपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। डिटेक्टीज के पैन आधार लिंकिंग स्टेटस को डिटेक्टर्स संबंधित वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। याद रखें, सभी पैन धारकों के लिए 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट। आकाशवाणी दिल्ली से हर शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर, FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा। ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है matdatajunction@gmail.com। मतदाता जंक्शन। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz सुन रहे हैं आप मेरे यानी सुरदी के साथ और प्रोग्राम है आप सभी का अपना मन पसंद तस्वीर, जिसमें कि आज बात हो रही है वेस्ट बंगाल के अलग अलग हिल स्टेशंस की। और ऐसे में हमने बेहद खास 3 हिल स्टेशंस के बारे में अब तक जाना, लेकिन अब बात हो रही है चौथे की, जो कि है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी का नाम न सिर्फ आपने सुना है, बल्कि सिलीगुड़ी के बारे में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो घूम कर आए होंगे। तो आपको बता दूं, महानंदा नदी के तट पर स्थित सिलीगुड़ी एक छोटा सा हिल स्टेशन है। इस स्थान को गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। ये शांत शहर चाय, लकड़ी, संगीत के दृश्य, वन्य जीवन और एक मठ सालूगरा के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप प्रकृति के बीच शांति से बैठना चाहते हैं तो सिलीगुड़ी आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि टोरसा नदी के तट पर मौजूद है, सिलीगुड़ी का एक बेहद
प्रमुख आकर्षण केंद्र है। सिलीगुड़ी अगर आप जाना चाहते हैं तो यहां जाने के लिए सबसे सही समय जो है वो जनवरी से फरवरी के बीच है, यानी कि अभी आपके पास टाइम है जनवरी आने में, तो प्लान कर सकते हैं और फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ एक सिलीगुड़ी का बढ़िया सा ट्रिप आप बना सकते हैं। हसीन वादियों हसीन वादियों फिजाओं से कह दो, हवाओं से कह दो, मेरा यार मेरा प्यार लेके आया है। हसीन वादियों है भोली सी कातिल हर कदा, दिलो जान से हुआ हूँ मैं तो उस पे फिदा, कोई जाने ना जाने कोई माने ना माने, मैं तो कहता हूँ उनको खुदाओं के खुदा, मेरा यार मेरा प्यार, मेरा यार मेरा प्यार, वो तो आंखों में खुमार लेके आया है। हसीन वादियों से कह दो, हवाओं से कह दो, मेरा यार मेरा प्यार लेके आया है। हसीन वादियों गली से है नाजुक, फूलों से भी हंसी, मेरे यार जैसा कोई भी जमाने में नहीं, उस जैसी नाजनी उस जैसी दिल नशी, दिया लेके भी जो ढूंढो तो मिलेगी ना कहीं, मेरा यार मेरा प्यार, मेरा यार मेरा प्यार, वो तो दिल का करार लेके आया है। हसीन वादियों फिजाओं से कह दो, हवाओं से कह दो, मेरा यार मेरा प्यार लेके आया है। हसीन वादियों और भैया आज तो तमाम तरह की हसीन वादियों के बारे में बातें हो रही हैं, और हसीन वादियों की बात करें तो हिल स्टेशंस में तरह तरह के खास हिल स्टेशंस जो कि वेस्ट बंगाल के हैं उनके बारे में हम आज जान रहे हैं। खूबसूरती और साथ ही साथ बेहतरीन नज़ारे कहीं और नहीं मिलते, हिल स्टेशंस पर ही मिलते हैं। और अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की तो ऐसे में तमाम तरह के हिल स्टेशंस के बारे में अब तक जान चुके हैं, और ऐसे में अगर अगले हिल स्टेशन की बात करें तो मैं आपको बता दूं पश्चिम बंगाल में कुर्सियां नाम का एक बेहद सुंदर हिल स्टेशन है जो प्राकृतिक सुंदरता और नजारों से परिपूर्ण है। जी हाँ, कुर्सियांग जो है सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग राजमार्ग पर स्थित अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, जलप्रपात, चाय के बागान और प्राचीन मंदिरों के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में फेमस है। किसी भी पर्यटक के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं कहलाती, और अगर आप प्लानिंग कर ही रहे हैं घूमने की तो कुर्सियांग जो है बेहतरीन जगह
जगह है, बेहतरीन हिल स्टेशन है। कुर्सियांग अगर आप जा रहे हैं तो आप वहां पर जाकर क्या देख सकते हैं, ईगल्स क्रैग व्यू पॉइंट, ये बहुत ही फेमस है। आपको बता दूं कि ईगल्स क्रैग कुर्सियांग के साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल के लिए बेहद फेमस जगह है। इस व्यू पॉइंट से आप आसपास मौजूद पहाड़, बस्तियां, चाय के बागान, इन सब का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। और यही नहीं, इस व्यू पॉइंट से नेपाल की पहाड़ियों को भी देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में ये जगह जो है बेहद खास है, और खासकर अगर हम बात करें कपल्स की तो उनके लिए तो बहुत ही लोकप्रिय है। इसके अलावा कुर्सियांग रेलवे संग्रहालय, जी हाँ, देश के अधिकतर हिल स्टेशन में पर्यटकों के लिए कुछ ना कुछ खास होता है। और टॉय ट्रेन जो है अक्सर पसंद की जाती है, मुझे भी बहुत पसंद है टॉय ट्रेन। जहां पर भी देखने का मौका मिले तो हमें न सिर्फ देखनी चाहिए, अगर ट्रैवल कर सकते हैं उसमें सवार हो सकते हैं तो बेहतरीन है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच जब टॉय ट्रेन गुजरती है तो वाह, क्या नज़ारे नजर आते हैं, और मेरा तो मोबाइल ऑन हो जाता है, मैं तरह तरह की फोटोज सुंदर नज़ारों को कैद करती हूँ। अगर आपको भी कुर्सियांग में टॉय ट्रेन की सवारी करनी है तो आप जरूर पहुंचें, और साथ ही साथ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को करीब से जाने, वहां पहुंचना और साथ ही साथ कुर्सियांग रेलवे संग्रहालय का आनंद लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं किया तो मिस कर देंगे। इसके अलावा कुर्सियांग डियर पार्क भी है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, खासकर अगर हम बात करें बच्चों की या फिर पशु पक्षी प्रेमी की तो उनके लिए ये बेहतरीन जगह है। और ऐसे में इस पार्क में आप तमाम तरह के बेहतरीन डियर्स को देख सकते हैं, और साथ ही साथ दुर्लभ प्रजाति के जो जानवर वहां पर मौजूद है उन्हें देखकर आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा कुर्सियांग टी गार्डन वाकई में देखने लायक है। ऐसी जगह है कि जहां पर जाने के बाद आपको लगेगा कि इतनी हरियाली, इतनी सुंदरता, बस यहीं पर हम मौजूद रहें। और अगर ऐसा मौका मिले कि चाय के बागानों के बीच आप घूम रहे हैं, अगर घूमने का मौका मिल रहा है आपको तो क्यों नहीं घूमें भाई। कुर्सियांग टी गार्डन बनाए इसीलिए कि आप वहां पर जाएं और वहां पर घूमें और साथ ही साथ चाय की महक का भी लुत्फ उठाएं। वैसे सर्दियों का मौसम इसके लिए परफेक्ट माना जाता है, इसलिए सर्दियों में जब आपको छुट्टियां मिले तो कुर्सियांग हिल स्टेशन जरूर जरूर होकर आइएगा।
चारों तरफ हुस्न की दास्तां है। मुझे लगता है जैसे हमें देख कर लगा मुस्कुराने जमीन आसमां है। दीवाना प्यार में होके दीवाना, जैसे ये सारा जमाना अपनी धुन में घूम हम तुम। ये समय है सुहाना, हाँ जी सुहाना हो जाए गुज़र। वाकई में ऐसा होता है जब हसीन वादियां हमें देखने को मिलती हैं तो वाकई में दिल जो है उन्हें बार बार देखने का करता है। और ऐसे में एक और प्यारी सी जगह के बारे में बताऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अकड़ बक्कड़ बम्बे बोल देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की सौ, सिर्फ 64,900 की एक्स शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा टू व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की सौ, वही शाइन के भरोसे के साथ। पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 25th June and 2nd July. Hurry up. क्या बात है। और आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ सुन रहे हैं आप मेरे यानी सुरती के साथ। और प्रोग्राम में आप सभी का अपना मनपसंद तस्वीर, जिसमें कि आज बात हो रही है वेस्ट बंगाल के कुछ खास हिल स्टेशंस की, जिनमें हमने काफी सारे हिल स्टेशंस के बारे में अब तक जाना है। क्या आप संदकफू के बारे में जानते हैं? भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की सबसे ऊंची चोटी है ये। ये पश्चिम बंगाल नेपाल सीमा पर दार्जिलिंग जिले में सिंगलीला रिज का उच्चतम बिंदु है। शिखर सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान के किनारे पर स्थित है और इस पर एक छोटा सा गांव है जिसमें कुछ छात्रावास भी है। ये वाकई में बेहद खूबसूरत है, देखने लायक है और बहुत लोग यहां पर जाते हैं, क्योंकि दुनिया में 5 सबसे ऊंची चोटियों में से 4 एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोहोत से और मकालू इसकी शिखर से देखी जा सकती है। वाओ, यानी कि काफी अट्रैक्टिव है। और ऐसे में अगर हमें मौका मिल जाए एक ही जगह पर खड़े होकर तरह तरह की सबसे ऊंची चोटियों को देखने का, तो हमें ये मौका जो है ना गंवाना नहीं चाहिए। मैं तो ऐसे मौके मिस नहीं करती और मुझे यकीन है कि आप भी नहीं करते होंगे। इससे हटकर अगर हम बात करें लेप्चा जा की, ये पश्चिम बंगाल का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि पर्यटकों के लिए एक स्पेशल डेस्टिनेशन में माना जाता है। खासकर शादी के बाद लोग यहां जाना पसंद करते हैं। ये जगह लेप्चा जनजाति का घर है और इसका मतलब होता है लेप्चा की दुनिया। ये ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है, जो मन को बेहद शांति पहुंचाता है। इसके अलावा डुअर्स के बारे में आपने सुना है। डुअर्स को द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बेहद खूबसूरत है। दार्जिलिंग से लगता हुआ डुअर्स जो है, चाय के बागान
मैदान, हरे भरे जंगल और नदियों से घिरा हुआ है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही नहीं, डुअर्स अगर आप जा रहे हैं तो वहां घूमते हुए जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी देख सकते हैं, जिसमें तरह तरह के जंगली जानवरों में हाथी, गेंडे जैसे जानवर भी देखे जा सकते हैं। तो वाकई में ये बेहद खास हिल स्टेशन से, अलग अलग हिल स्टेशन से जो हमने जाने आज तस्वीर में, वेस्ट बंगाल के हिल स्टेशन, यानी कि छुट्टियां मनाने के लिए बेहतरीन जगह। तो प्लानिंग तो अभी से चल रही होगी ना, और इस प्लानिंग को जल्द ही आप एग्जीक्यूट भी करेंगे। लेकिन आप इससे पहले कि अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूट करें, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आज का तस्वीर आपको कैसा लगा जरूर जरूर मुझे बताइए, अपने दिल की बात मुझ तक जरूर पहुंचाइए। तरीका बहुत ही आसान है, ईमेल के जरिए आप अपने दिल की बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको टाइप करना है RJ Surati और साथ ही साथ लिखना है अपना नाम और जगह का नाम, अपने दिल की तमाम बातें, प्रोग्राम कैसा लगा, म्यूजिकल दिल लगी कैसी लगी, जो कि बेहद खास रही। आई एम श्योर बहुत सारी जानकारी उसमें मैंने आपको दी थी, और इससे हटकर तस्वीर में काफी कुछ आपने जाना हिल स्टेशंस की, तरह तरह के हिल स्टेशंस की हमने घर बैठे बैठे सैर की। तो कैसा लगा जरूर 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 अपने दिल की बात साझा कीजिएगा। तरीका मैंने आपको समझा ही दिया है, ईमेल के जरिए भेजना है। इसके लिए ईमेल आईडी नोट कर लिए, हमारी ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए, ईमेल आईडी क्या है? ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। जानते हैं ना, जैसे आप इंतजार करते हैं हमारा, ऐसे हम भी इंतजार करते हैं आपके प्यार का, और आपका जो प्यार है वो आता है आपके ईमेल्स के जरिए। तो जरूर जरूर अपने प्यार को बरसाइएगा और अपने दिल की बात मुझ तक पहुंचाइएगा, क्योंकि मुझे रहेगा इंतजार आपके प्यार भरे ईमेल का। चले इन हसीन
चुराने तो चले। इसी के साथ वक्त हो गया है इजाजत लेने का, इसलिए मुझे यानी सुरती को दीजिए इजाजत, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है। इसी के साथ अब वक्त हो गया है समाचारों का। आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, फिर सुनेंगे हिंदी में, और उसके बाद ठीक 12:10 पर होगा प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल अपराजिता के साथ।